आज की जो सरोखाप सरदारी जन कल्याण मंच किसान संगठनों की जो यहां राष्ट्रीय मुख्यालय कनेला में जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें हमारे लंबे समय से जो हम 11-12 मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे पहला मुद्दा है हमारा सभी फसलों पर एमएसपी का गारंटी कानून बनना चाहिए। दूसरा मुद्दा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C+2 के तहत से किसानों को लागू किया जाए। तीसरा मुद्दा है हमारा जिस तरह जो मनरेगा स्कीम है इसको कृषि के साथ जोड़ा जाए। और जो चौथा मुद्दा है हमारा जींद में एक औद्योगिक कारखाना लगा जाए, जिससे जींद के कम से कम 15 और 20 हजार लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। और जो हम सभी राजनीतिक दलों का ये मुद्दे काफी लंबे समय से हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए, लव एंड रिलेशनशिप जो इसको खत्म किया जाए, एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए, इसके लिए जो खाप पंचायतें लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, आज हम यहां राष्ट्रीय मुख्यालय के माध्यम से, चाहे कोई छोटी पार्टी हो, चाहे कोई लोकसभा का सदस्य हो या कोई भी पार्टी हो, उसको हम ये मांग पत्र उसके लिए भेजेंगे। और हम 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, सभी राजनीतिक दलों को अल्टीमेटम देते हैं जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों के बीच में आकर सुख में दुख में जो दिल्ली से आकर लोग यहां राजनीति करते हैं, लोग आज उनसे भी तंग आ चुके हैं। हर एक आदमी जो लोकसभा का सदस्य लड़े या लोकसभा का जो भी टिकट मिले या विधायक का आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो टिकट मिले, और जो लोगों के बीच में आदमी रहता है उनको टिकट दिए जाए, और उनके लिए भी हम यह मांग करते हैं उन जैसे लोगों को राज्यसभा के और अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाए, पार्टी कोई भी किसी हो। लेकिन हम इस बात का लेकर आज की जो ये मीटिंग या राष्ट्रीय मुख्यालय पर हमने कंडेला बुलाई है, इसके लिए हम ये पत्र सभी राजनीतिक दलों को देंगे। और 15 दिन के अंदर अगर कोई सरकार तक जवाब हमारा राजनीतिक दलों से नहीं आया, तो उसके बाद हम एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर उसमें कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है।